हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू अंकनेश क्रिएशंस। आज हम जो दो एथनिक कुशन कवर डिजाइन्स बनाने जा रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर सुपर डिफरेंट, सुपर इजी एंड सुपर कलरफुल। तो हाँ, आप उसको फेस्टिव सीजन पे अपने लिविंग रूम में डेकोरेट कर सकते हैं, और वो दोनों डिजाइन्स ऐसी है कि आप पूरे साल भर भी अपने घर में डेकोरेट करके रख सकते हैं। एंड या आई होप यू लाइक दिस आइडियाज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। For making this elephant mandal cushion, I am using this blue cushion cover and elephant ka stencil banane ke liye, you can search on Google elephant stencil printable aur itne sare design ke options aa jayenge and then you can draw that design on the sticker paper, self adhesive paper aur fir usko cut karke elephant ka stencil ban jayega. However, I am using this elephant ka sticker ka outline. Ye sticker maine apne kid ke bedroom makeover pe use kiya tha. That video will come soon. So I'm using this sticker outline and yeah, now let's fold the cushion cover in half and then again I'll fold it in half vertically to get the center point taki ek idea mil jaye ki elephant ka sticker kahan lagana hai. Now I'm peeling off the stencil and I'll stick it on the cushion like I'm doing here. After sticking the stencil, stencil के नीचे का जो paper था ना, वो मैं cushion के बीच में इस तरह से insert कर दूंगी ताकि paint दूसरी side leak ना करे। आप कोई भी थिक पेपर भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर डॉट मंडल। सो व्हेन आई फर्स्ट मेड दिस फर्स्ट डॉट ऑन फैब्रिक, इससे पहले मैंने फैब्रिक पे कभी भी डॉट मंडल नहीं किया था। देन आई रियलाइज के उतना ईजी नहीं होने वाला है ये, मतलब उतने परफेक्ट डॉट्स नहीं आते। तो आई वेंट ऑन विद ब्रश एंड ट्राइड टू मेक इट लिटिल बिट परफेक्ट, बट फिर आई रियलाइज के इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एवरी डॉट परफेक्ट विद ब्रश आफ्टर मेकिंग द डॉट्स। सो आई वेंट ऑन विथ जस्ट डॉटिंग टूल्स टू मेक द डॉट्स एंड थोड़ा बहुत जो रफ एजेस दिख रहे थे दैट लुक गुड आफ्टर आई फिनिश्ड द होल पेंटिंग, क्योंकि फैब्रिक पे ऐसा ही बनेगा तो वो थोड़ा रॉ एंड रफ लुक भी अच्छा लगता है। यू कैन यूज दिस स्टेंसिल आइडिया एंड आप अपनी कोई भी मनपसंद डिज़ाइन यूज करके उस डिज़ाइन का स्टेंसिल यूज करके अंदर डॉट्स फिल करके और फिर स्टेंसिल्स जब रिमूव करोगे ना, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगी एंड इट्स सो ईजी। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द आउटलाइन, क्योंकि अच्छे से चिपकाएंगे तो कहीं पर भी लीक नहीं होगा। And yeah, if you make any cushion cover or any print on fabric using this idea, tag me on Instagram or you can email me. All the links are given in the description box below. So yeah, now enjoy watching me doing this dot mandal in an elephant stencil. While making this dots, I'm also going on over the stencil part, क्योंकि फिर next line of dots के लिए ना एक अच्छे से guideline मिल जाती है, ऐसा मुझे लगा।
once you are done painting the dot mandal, please be patient to remove the sticker. मैंने थोड़ा impatience दिखाया और remove करने लगी तो white paint थोड़ा सा smudge हो गया था और फिर मैंने उसको वापस चिपका दिया और सूखने दिया. So I would recommend to remove the sticker once the paint has dried completely. Next, अपने cushion को एक अच्छी सी border देने के लिए I am using this wooden stamp और इस पर मैंने कुछ colors ऐसे brush से dab कर दिया. मुझे लगा मैं वो वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए शूट कर रही हूँ बट वो आउट ऑफ रिकॉर्डिंग एरिया हो गया. सो सॉरी अबाउट दैट. सो ब्रश से या स्पॉन्ज से थोड़ा कलर डैप कर सकते हो आप किसी भी स्टैम्प के ऊपर और उसको इस तरह से फैब्रिक पे प्रिंट कर सकते हो. उसके बाद मैं ब्रश पे थोड़ा सेम कलर का पेंट लेके थोड़ा बहुत उसको ठीक कर दूंगी जहाँ पे स्टैम्प प्रॉपरली नहीं हुआ है या बहुत लाइट हुआ है. एंड उसके बाद आई एम एडिंग अ स्मॉल डॉट इन ईच स्टैम्प ऑफ 3D ब्लू ग्लिटर लाइनर. एंड फाइनली यूजिंग दिस गोल्ड फैब्रिक पेंट आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ गोल्ड हेयर एंड देयर थ्रू आउट द कुशन कवर, क्योंकि गोल्ड के बिना तो एथनिक लुक आएगा नहीं आई गेस. And yeah, with this we are done with this cushion cover. I'll let all this paint dry completely aur uske baad I'll remove this sticker and reveal the design. Jo khushi mili thi na mujhe literally sticker remove karne ke baad aur jo design dekhne mili thi, ultimate. Please try this out on your t-shirt or tote bag or cushion covers, pillow covers, anything. It will come out really good, trust me. And this is how that paper looked after removing from the cushion cover. So please, paper zarur insert karna, nahi to piche ki side pura chhap jayega. And yeah, now it's the rewarding part. Insert your cushion filling and let's see how it looks. I really liked it. For the second cushion cover, we will be making this barley yarn design cushion cover, and for this I have chosen this grey cushion cover. And वही हम center point निकालेंगे ताकि पता चले approximately कि design कहाँ से शुरू करना है बनाना. And then उसके बाद मैं simple सी barley design बना रही हूँ, like एक ढोल type का बीच में और दो barleys playing that ढोल. And let's fast forward this drawing part. So after drawing, I'm inserting a thick paper inside the cushion cover. Although I'm using just fabric marker, but still I don't want to take chance. So I'm coloring in the varlies and I'll give the doll an outline with this black fabric marker. And then to give it some color, I'm using this wool or yarn or oon, jo bhi bolna chaho, aur usko needle mein insert karke I will be doing some running stitch, very basic simple stitch, but upar ki taraf zyada area cover karke niche se thode kam area mein wapas bahar nikalungi. So yeah, I'll make the borders of the varlies using this and also of the doll using some different colors, and you'll get to know how I move on with the video. Yeah, this is a very simple technique to make anything colorful yet very long lasting, and this will be time consuming, but कोई भी टीवी शो या कुछ गाना सुनते सुनते मस्त किसी से बातें करते करते कर सकते हो और ख़त्म भी हो जाएगा और मज़ा आएगा करने में. लाइक मैंने सिलाई करने वाला काम पता नहीं कितने सालों बाद किया था और मुझे सच में मज़ा आया ये करके. So yeah, now let's fast forward
दिस सिलाई का काम एज वेल. एंड हाँ, मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक पेंट इसलिए फैब्रिक मार्कर इसलिए चूज़ किया क्योंकि नीचे का कुशन का कलर ग्रे था, तो मैंने ब्लैक फैब्रिक मार्कर यूज़ करके अपनी वार्ली डिज़ाइंस और ढोल के बॉर्डर को एक थोड़ा सा डार्क लुक दे दिया ताकि वो कुशन से थोड़ा सा हल्क अलग होकर दिखे बट स्टिल इन द सेम शेड, ताकि यान के जो कलर्स है वो ज़्यादा पॉप करे. सो या नाउ एन्जॉय डूइंग सम सिलाई विथ मी. So this is how our wali cushion looks till now. Next I'll be going in with pink yarn aur usse baki ki design complete karte hain. After stitching the center part of the dhol, our wali design will be done. और मैंने यहाँ shoot करना बंद कर दिया था. Later I realized कि इस cushion को अगर मैं थोड़ा सा border दे दूँगी ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो मैं रात को like 11-12 बजे ये border बनाने बैठी थी. So yeah, phone से थोड़ा सा record कर लिया था border बनाते हुए. And then our wali yarn cushion will be ready. So this is such an old school technique जो इंडिया में पहले हमारी सारी मम्मियाँ बनाती थी कुशन कवर्स. तो मे बी दिस दिवाली यू कैन मेक वन कुशन कवर लाइक दिस एंड गिफ्ट इट टू योर मॉम और ग्रैंडमा, दादी नानी को मज़ा आएगा उनको देख के आई गेस. एंड विद दिस आर वाली यान कुशन इज रेडी. आई एम इन लव विद दिस. आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस आइडिया. This video, I really hope you all liked it. I really loved this video, and for my favorite design was Warli design. It was so unique and so beautiful, so colorful, so easy. Time consuming है थोड़ा, लेकिन TV shows देखते देखते, अपने favorite TV shows देखते देखते बनाना मजा आएगा. And yeah, let me know in the comment section below which design was your favorite. एंड या शेयर कर देना प्लीज 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 इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, अपने सोशल मीडियाज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे प्लीज. बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, लेकिन आई रियली होप के अच्छा चले. एंड वो अब तभी चलेगा जब आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे. प्लीज प्लीज एंड या सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. आई विल सी यू सून. बाय. लव पिंक क्रिएटर.